प्रॉब्लम सॉल्विंग के सेशन में आज हम लोग शेरलॉक्स एंड प्लेन्स नाम की एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ये मैथमेटिक्स सेक्शन की प्रॉब्लम है हैकर रैंक पे। आइए इस प्रॉब्लम को हम रीड आउट करते हैं। वॉटसन गिव्स फोर थ्री डायमेंशनल पॉइंट्स टू शेरलॉक एंड आस्क हिम टू फाइंड आउट इफ दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। योर टास्क हियर इज टू हेल्प शेरलॉक। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि शेरलॉक के पास चार पॉइंट्स होंगे जो कि वॉटसन उसे देता है, और आपको ये देखना है कि क्या ये जो चारों पॉइंट्स हैं वो सेम प्लेन में लाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको समझने के लिए आपके पास दो चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। एक तो वेक्टर का आइडिया होना चाहिए आपको, और दूसरा आपको वेक्टर के डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का भी आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसमें अगर मुझे ये गिवन है कि ये हमारे इनपुट पॉइंट्स हैं, और इनपुट पॉइंट्स में जो पॉइंट्स हैं वो 120, 230, 400 एंड 000। तो ये जो चारों पॉइंट्स हैं वो एक प्लेन में लाई करते हैं कि नहीं, इसका आपको आंसर देना है। अगर ये सेम प्लेन में है तो यस आंसर देना है, अदरवाइज आपको नो आंसर देना है। तो कोप्लेनेटरी इसको हम कह सकते हैं इस प्रॉब्लम को एक्चुअल में। और कोप्लेनेटरी के लिए आपको एक आइडिया होना चाहिए कि मान लीजिए कि आपके पास अगर तीन वेक्टर्स हैं, एक ए है, एक बी वेक्टर है और एक सी वेक्टर है। तो कोप्लेनेटरी के लिए ये जरूरी है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट शुड बी जीरो। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स अगर गिवन है तो ए डॉट बी क्रॉस सी दिस मस्ट बी जीरो। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो क्रॉस प्रोडक्ट है, और जो ये वाला पार्ट है वहाँ उसका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यही कहता है कि अगर आपके पास तीन वेक्टर्स हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा वो दैट विल बी डिफाइंड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी, और इसकी जो वैल्यू है वो जीरो होनी चाहिए। इसकी वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है कि अगर एक वेक्टर में तीन कंपोनेंट्स हैं तो तीनों कंपोनेंट्स हमारे जीरो होने चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो पॉइंट्स हमारे गिवन हैं उन पॉइंट से हम सबसे पहले वेक्टर्स बनाएंगे, और इस वेक्टर को बनाने के बाद स्केलर का ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो अगर हमें मान लें कि ये हमारे पास ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है और ये एस पॉइंट है, तो हम सबसे पहले एक पी क्यू वेक्टर बना लेते हैं। तो ये जो हमारा पी क्यू वेक्टर है वो कैसे बनेगा? दो पॉइंट से वेक्टर बनाने की प्रक्रिया ऐसी की जाती है कि अगर हमारे पास पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं तो इसका जो वेक्टर बनेगा उसमें हम क्या करेंगे, क्यू के एक्स में से पी के एक्स को माइनस कर लेंगे, इसका मतलब 2 माइनस 1। लेट से ये आई डिनोट करता है वेक्टर का, और इसी तरह से हम क्यू के वाई वाले पॉइंट में से मतलब 3 में से क्यू पी के वाई वाले पॉइंट को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ये जे वाला पार्ट मान लेते हैं वेक्टर का है, और ये जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें क्यू के जेड वाले पार्ट को मतलब कि जीरो को पी के जेड वाले पार्ट से माइनस कर देते हैं, एंड लेट से ये के रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा पी क्यू वेक्टर हो गया, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई प्लस जे प्लस 0 इंटू के, क्योंकि 0 माइनस 0 हमारा 0 आता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू दिस एंड 1 इंटू दिस, क्योंकि 2 माइनस 1 1 आता है और 3 माइनस 2 1 आता है। इसी तरह से आपने पी क्यू वेक्टर बना लिया है, इसी तरह से आप पी आर वेक्टर बना लीजिए और पी एस वेक्टर बना लीजिए, और इसी पी क्यू को मान लीजिएगा कि ये हमारा ए वेक्टर है, इस पी आर को मान लीजिएगा कि ये बी वेक्टर है, और इस पी एस को मान लीजिएगा कि ये सी वेक्टर है, एंड देन इसके बाद आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब कि ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड कर लीजिएगा। अगर इसमें सारे कंपोनेंट जीरो हैं तो इसका मतलब है कि ये कोप्लेनर पॉइंट्स हैं, और आपने कोप्लेनर ट्री को प्रूव कर लिया। तो आइए इसको हम लोग कोड करके देखते हैं। तो कोड करने के लिए मैंने अपने इस प्रॉब्लम को ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है, मैं वहीं से इसको पिक कर लेता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। सो यहाँ पे हम सबसे पहले ये जो सॉल्व हमारा फंक्शन गिवन है इसी के अंदर हमें कोड लिखना था। तो इसमें एक वेक्टर ऑफ वेक्टर, या फिर आप मान सकते हैं कि एक 2D एरे है, ये 2D एरे आपको गिवन है, और इस 2D एरे को हम ऐसे मान सकते हैं कि पॉइंट्स वाले 2D एरे में
चार पॉइंट्स होंगे और चारों पॉइंट्स में तीन तीन कंपोनेंट्स होंगे। तो ये मेरा चार पॉइंट का एक 2D एरे है, ये 0, 1, 2, 3, और इसी तरह से जो कॉलम इंडेक्स है वो 0, 1, 2। तो तीन पॉइंट्स है मतलब कि कॉलम इंडेक्स हमारा 0, 1, 2 को रिप्रेजेंट करेगा। सो तीन पॉइंट नहीं मतलब कि तीन इसमें कंपोनेंट्स होंगे इस पॉइंट पे, एक्स वाई जेड कंपोनेंट। मान लेते हैं कि 0 वाला एक्स कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये वाई कंपोनेंट को और ये जेड कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो पॉइंट वाली 2D एरे है या फिर ये वेक्टर और वेक्टर है, इस पॉइंट्स वाले में टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो होंगे वो चार होंगे। और हमें क्या करना है कि सबसे पहले पी क्यू वैक्टर को बना लेना है। तो पी क्यू वैक्टर हमारा कैसे बनेगा, 0 और 1 नंबर जो पॉइंट्स है मतलब ये पी पॉइंट है ये क्यू पॉइंट है, तो पी क्यू वैक्टर हमारा इस तरह से बनेगा कि हम इस वाले पार्ट में से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो यही हमने किया है। तो और पी क्यू के जो पॉइंट्स हैं उसको हमने X1, Y1 और Z1 माना है। तो जो PX1 कंपोनेंट है वो क्या होगा, 1, 0, -0, 0, ये 1, 0 है पार्ट हमारा और ये 0, 0। इसी तरह से जो वाई वाला कंपोनेंट है वो कैसे बनेगा, 1, 1, -0, 1। जेड वाला कंपोनेंट कैसे बनेगा, 1, 2, -0, 2। यही काम हमने यहाँ पे किया। सबसे पहले हमने पी क्यू वैक्टर बना लिया, सिमिलरली हमने पी आर वैक्टर बना लिया। पी आर वैक्टर हमारा कैसे बनेगा, पॉइंट पी और पॉइंट आर से हमारा पी आर वैक्टर बनेगा। तो इसमें हमें क्या करना है कि आर के 2, 0 में से 0, 0 पॉइंट माइनस करेंगे, इसी तरह से 2, 1 में से 0, 1 माइनस करेंगे और 2, 2 से 0, 2 माइनस करेंगे। यही काम हमने यहाँ पे किया है और हमारा ये पी आर वैक्टर बन गया। सिमिलरली हमारा पी एस वेक्टर बन जाएगा। तो ये एस वाला पॉइंट है जो लास्ट पॉइंट है या जो चौथा पॉइंट है हमारा, पी एस वाला पॉइंट है, जिसमें हम क्या करेंगे कि 3, 0 में से 0, 0 माइनस करेंगे, 3, 1 में से 0, 1 माइनस करेंगे और 3, 2 में से 0, 2 माइनस करेंगे। यही काम हमने यहाँ पे किया है और हमारा पी एस वेक्टर बन गया। तो जब हमारे पी क्यू पी आर और पी एस वेक्टर्स बन जाएंगे, देन इसके बाद हमें क्या करना है कि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को समझने के लिए मान लीजिए कि आपके पास एक क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है सबसे पहले, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम सबसे पहले एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। इस मैट्रिक्स में हम यहाँ लिख लेते हैं एक्स, यहाँ लिखते हैं वाई और यहाँ पे जेड, या फिर अगर हमने आई जे के लिया है तो आई जे और के रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जो पहला वाला हमारा वेक्टर है उसमें X2, Y2 और Z2 कंपोनेंट्स हैं, और जो दूसरा वाला है उसमें X3, Y3 और Z3 कंपोनेंट्स हैं। एक बार शायद थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गई, इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। X3, Y3 और Z3 कंपोनेंट है। तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो कैसे होगा, सबसे पहले हम आई को सेलेक्ट करेंगे। तो आई के कोरस्पॉन्डिंग हम लिख रहे हैं कोफिशियंट्स इसके। So, ये हमारे आई के करस्पॉन्डिंग अगर हम करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट से सबसे पहले Y2, Z3 मिलेगा और इसमें से माइनस कर देंगे Z2, Y3 को। सिमिलरली जो J के करस्पॉन्डिंग हम कैसे निकालेंगे इसका कोफिशियंट, सो दैट विल बी इक्वल्स टू X2, Z3। X2, Z3 -X3, Z2 एंड देन इसके बाद K के कोरस्पॉन्डिंग। अच्छा ये वाला जो पार्ट होगा, क्योंकि हम जो मैट्रिक्स है इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसमें ऑल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं, तो J के कोरस्पॉन्डिंग जो साइन होगा वो माइनस वाला साइन होगा। अब हम K के कोरस्पॉन्डिंग निकालते हैं, तो K के कोरस्पॉन्डिंग हमारा निकलेगा X2, Y3 -X3, Y2। फाइन, तो अगर हम K के कोरस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं तो X2, Y3 -Y2, X3, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट निकल गया है। तो इसी क्रॉस प्रोडक्ट को देखिए हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। X23 = Y2Z3 - Y3Z2 एंड देन इसके नीचे जो हमने लिखा है ये देखिए क्रॉस प्रोडक्ट है ये।
सो दिस इज एक्स वन एक्स टू थ्री हमने फाइंड कर लिया, वाई टू जेड थ्री माइनस वाई थ्री जेड टू, फिर वाई टू थ्री हमने मतलब कि जो वाई कंपोनेंट है या जे वाला जो कंपोनेंट हम फाइंड कर रहे हैं दैट इज इक्वल्स टू एक्स टू जेड थ्री माइनस जेड टू एक्स थ्री, और ये वाला जो कंपोनेंट है एक्स टू थ्री माइनस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई टू एक्स थ्री। तो जब हमारे पास पॉइंट्स मिल गए हैं, जैसे पहला जो पॉइंट है अगर हमें ए डॉट बी क्रॉस सी परफॉर्म करना था तो उस केस में हमें बी क्रॉस सी फाइंड आउट कर लिया है। तो बी क्रॉस सी और ए में कौन कौन से पार्ट हैं, ए का मतलब है कि हमारा जो पहला वाला वेक्टर है तो पहले वाले वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं एक्स वन वाई वन और जेड वन। इसको अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो हमारा इस तरह से लिखा जाएगा, ये हम लिख रहे हैं ए वाला वेक्टर या जो पहला वाला वेक्टर है दैट इज इक्वल्स टू एक्स वन आई प्लस एक्स टू जे सॉरी वाई वन जे एंड प्लस जेड वन के। और जो बी क्रॉस सी वेक्टर हमारे पास आया है और उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो एक्स टू थ्री आई प्लस वाई टू थ्री जे और प्लस जेड टू थ्री के कंपोनेंट है। जब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ये जो एक्स वाले कंपोनेंट हैं वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरह से जो वाई वाला पार्ट है वो वाई वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो जेड वाला पार्ट है वो जेड वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो पार्ट हमने फाइंड आउट किया है इस पार्ट की जो वैल्यू है वो इंडिविजुअली अगर जीरो होगी तभी हम कहेंगे ये जो वेक्टर हमारा है वो जीरो है, या फिर इन तीनों का जो सम है अगर वो जीरो होगा तो हम कहेंगे कि ये हमारा जीरो प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर एक्स वन टू एक्स वाई वन टू थ्री और जेड वन टू थ्री मतलब ये वाला जो पार्ट हमने डिफाइन कर लिया है, अगर हमने एक्स वन को एक्स टू थ्री से मल्टीप्लाई किया तो इसको हमने एक्स वन टू थ्री मान लिया, इसी तरह से वाई वन टू थ्री और जेड वन टू थ्री, अगर तीनों की वैल्यू जीरो है तो हमारा आंसर यस रिटर्न होगा, अदरवाइज नो रिटर्न होगा। आइए इसको रन करके देखते हैं। सो यू कैन सी कि जो सैंपल टेस्ट केस है वो सक्सेसफुली रन हो गया है, तो हमने इस प्रॉब्लम को सबमिट किया है, इसके अदर टेस्ट केसेस भी सक्सेसफुली रन हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें 10,000 टेस्ट केसेस हैं, तो 10,000 टेस्ट केसेस को भी ये सक्सेसफुली रन करा है, इसका मतलब हमारी जो लॉजिक है वो परफेक्टली ऑल राइट है। ये प्रॉब्लम थी शेरलॉक एंड प्लेन्स, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने जिस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया उसको हमने कोप्लेनेटरी कहा, और इसको हमने किस तरह से प्रूव किया कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर जीरो आता है तो हम कहेंगे ये हमारे पॉइंट्स जो है वो कोप्लेनर है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए और उसको उसके उसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए। सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।